नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव इंटरव्यू। और लाइव इंटरव्यू में आज हमारे खास मेहमान हैं अमित आजाद, पौत्र हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के, तो वही आर्मी है जिसके संस्थापक थे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी। अमित आजाद जी, वंदे मातरम और बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जी, आपको भी बहुत बहुत नमन करता हूं और जो भी हमारे दर्शक आपके टीवी न्यूज से जुड़े हुए हैं उन सभी को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के पौत्र अमित आजाद का और स्वयं आजाद परिवार की ओर से और समस्त हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत सादर वंदे मातरम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप सब लोग। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जो है परिचय पूरा देश जानता है, इतिहास भी लोगों ने पढ़ा है, शायद ही ऐसा कोई होगा जो दुनिया में उन्हें ना जानता हो। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि 1947 से पहले से लेकर के अब तक आजाद परिवार गायब कहाँ हो गया था, गुम कहाँ हो गया था? जी, न राजनीति में, न किसी क्षेत्र में, न किसी सम्मान के क्षेत्र में, कहीं भी किसी भी जगह, मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कहीं भी किसी ने कभी बुलाया ही नहीं। सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन कभी भी आजाद परिवार किसी को याद ही नहीं आया कि आजाद परिवार भी है, जिसका योगदान भी है आजादी में। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बात अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के अगर हम परिवार की करें, जी इस पर मैं बाद में आऊंगा। अगर हम शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की ही बात करें, खुद की, उनकी, जी जब देश आजाद नहीं हुआ था जी तो उस समय के जो शीर्ष नेता थे वो किसी भी पार्टी से थे, वो कोई भी थे, वो आजाद परिवार की तो आप छोड़िए, स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी ही खुद उनको बर्दाश्त नहीं थे उस समय पर। और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो भी हुआ जी वो सभी को विदित है। मैं यहां पर बताना नहीं चाहूंगा वो चीज जी किन बड़े नेताओं का उस समय भी हाथ रहा कि कंपनी बाग में चंद्रशेखर आजाद जी मौजूद हैं। जी ये नॉट बाबर ने अपने लिखित बयान में बताया था कि मुझे किसका फोन आया और वो फाइल कहाँ है, ये भी आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद आजाद जी शहीद हो गए। सदाशिवराव मलकापुरकर जी के यहां झांसी में दादी ने काफी समय बिताया। चाहे शहीद भगत सिंह जी का परिवार हो, चाहे वो सुखदेव जी का परिवार हो, अब हम परिवार पे आते हैं, तो इन शहीदों को जब उस समय बड़े नेताओं ने अपने नाम को ऊपर करने के लिए इन शहीदों को प्लस इनके परिवारों को ना उनको कोई सम्मान मिलने पाए, ना इनके परिवारों को मिलने पाए, उनको जमीन दोज कर दिया गया एक तरह से। दूसरी कभी बात, सरकारों की तरफ से क्या कोई ऐसा पत्र मिला कि आप आमंत्रित हैं अब इस कार्यक्रम में दिल्ली के, कभी प्रधानमंत्री की तरफ से? देखिए, हमें अगर मिला है जी तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ने, जी अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य की बात करूं जी तो प्रधानमंत्री बनने के छठे दिन जी हम उस जगह का नाम पहले सेवन रेस कोर्स था, अब दूसरा हो चुका है, जी हम सेवन रेस कोर्स के उस ऑफिस में, पीएम हाउस में, उनके सामने मेरे पूज्य पिताजी बैठे थे। हमें एक फोन आता है प्रधानमंत्री ऑफिस से कि आप आमंत्रित हैं, वजह क्या है वो हमें नहीं बताई गई। हम गए, हम बैठे, हमारे साथ सिर्फ वो आमने सामने बैठे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूछा आप लोग ठीक हैं? हमने कहा हम ठीक हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, जैसे भी हैं। दो मिनट की ये बातचीत हुई जिसको मैंने यहां आप सबके सामने रखा। उसके बाद रामलीला मैदान में इन्हीं प्रधानमंत्री महोदय ने शहीद भगत सिंह जी का परिवार, शहीद सुखदेव जी का परिवार,
शहीद राजगुरु जी का परिवार और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार को 50,000 लोगों के सामने एक सम्मान चिन्ह दिया, जो कि शायद हम लोगों के घर में सभी के यहाँ अभी भी लगा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है, सम्मान यदि मिला है तो वर्तमान सरकार है, तो उसमें एक सम्मान की अगर बात करें तो हमें नहीं, आजाद जी को एक तरह से वो सम्मान मिला है, सिर्फ उन्होंने पूछा। हालांकि हम किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं है और ना शायद भविष्य में होंगे भी, ना अभी तक है ना थे, क्योंकि हमारा आज भी संकल्प है हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे, और न ही किसी सरकार से हमने अपने लिए कुछ मांगा है। देश की जनता ने हमें जो दिया है, सम्मान दिया है, वो हमारे पास है, और देश की जनता यदि हमारे ऊपर, मुझे भी चंद्रशेखर आजाद जी का पौत्र समझ के एक फूल भी मेरे ऊपर फेंकती है, तो मैं ये मानता हूं वो सीधे चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जाता है। आपने मुझे बिल्कुल, यहाँ लोग पर बुलाया आपसे जी लोग आपसे प्यार भी, देश आपसे प्यार भी करता है, और इसीलिए कि आप जो है उनके अंशज हैं, उनके वंशज हैं, और होना भी चाहिए। उसके बाद में अमर शहीद अगर आजाद जी की बात करें तो हर शब्द उनके सामने छोटा हो जाता है, हर सम्मान बहुत छोटा है, लेकिन कम से कम अब तक की सरकारें हैं, अब तक के लोगों ने कम से कम एक बार तो बात मुद्दा उठाया होता। जितना लोग राम मंदिर के लिए लड़े, बाबरी मस्जिद के लिए लोग लड़े, मुझे लगता है कि हर तरफ लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसी बीच में कम से कम एक ऐसा सौहार्दपूर्ण अगर माहौल कोई अगर सरकार बनाना चाहती, कोई राजनेता अगर बनाना चाहता, तो सभी लोग इसको मिलकर के कम से कम एक बिल बनाते। कुछ सपने थे आजाद जी के कि वो चाहते थे कि देश आजाद हो, उसके बाद में ये चीजें हों, तो उनके सपनों पर काम करना चाहिए था। बात और लड़ाइयां लगातार हो रही हैं, जहां एक तरफ अगर मनोज जब ये बोल देते हैं कि तिवारी जनेऊ धारी, तो कहते हैं कि वो तो ब्राह्मणवाद की बात आप फैला रहे हैं। मेरे समझ में ही नहीं आता है कि पंडित शब्द जो लगाया है वो तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको पूरा कॉपी किया हुआ था, उन पर तो कोई कभी क्वेश्चन नहीं उठाया किसी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरा जो है ब्राह्मण का, जो अंबेडकर जो ब्राह्मण होते हैं वो मराठी ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने अंबेडकर सदैव लिखा, लेकिन वो दलित राजनेता अपने आप को लिखते रहे, लेकिन कभी आजाद जी ने तो लिखा ही नहीं अपने आगे, कभी कुछ उन्होंने कहा ही नहीं। और वो तो ये फोटो इसलिए वायरल हो गई कि उस फोटो को जब इतिहास में हम गूगल पर सर्च करते हैं, वो चाहते नहीं थे कि ये फोटो आए, क्योंकि उनकी फोटो कोई थी नहीं। तो अब कहते हैं कि एक जगह मैं पढ़ रहा था किस्सा, कितना सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय के जो उनके साथी रहे होंगे उन्होंने वो किस्सा साझा किया। उनके बाद में जिस तरह से फोटो साझा की गई, उन्होंने कहा कि कुछ गांव के लोग आए और आजाद जी के पास जो पैसा इकट्ठा होता था आजादी की लड़ाई में, जो हथियार खरीदते थे उसमें, वो पैसा जब इकट्ठा होता था, उन्होंने कहा कि आपके गांव में जो परिवार के लोग हैं, जो माता पिता हैं, वो जो है आटा नहीं है और राशन पानी की दिक्कत हो रही है, आप इसमें से कुछ पैसा उनको आप भेज दीजिए। तो आजाद जी ने कहा कि ये पैसा, पहले तो उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा कि मुझे बहुत दुख है कि आप लोगों के रहते हुए हमारे माता पिता को ये कष्ट सहना पड़ रहा है, क्या वो माता पिता हमारे हैं सिर्फ? और दूसरा उन्होंने आंखें लाल करते हुए कहा कि ये पैसा जो है वो देश की आजादी के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ना माता पिता के लिए है, अगर आप उनको खिला पिला नहीं सकते तो मुझे आप जो है बता देना। उसके बाद जो दूसरा उनका किस्सा शेयर किया कि 725 लोगों को अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात की नौकरी दे रखी थी हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के ही लोगों को, कि उनको पहचानने के लिए, और उनका कोई काम नहीं था क्योंकि तस्वीर कोई थी नहीं, पहचानता उनको था नहीं कोई, लोग सिर्फ इतना जानते थे कि बड़ी बड़ी मूछें हैं और मूछों पर ताव देते रहते हैं, धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तमाम तरीके की उस समय के जो लोग बातचीत करते थे कि बड़े बाल हैं, कोई कहता था बाल नहीं है, सिखा रखाते हैं बड़ी, तो इस तरीके की तमाम जो है कहते हैं बातचीत जो है चलती थी। कई अंग्रेज अधिकारियों की पुस्तकों में भी ये वर्णन दिया है कि 725 लोगों को नौकरी जो है ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय दी हुई थी इस बात के लिए कि उनको आप पहचानिए और उनकी आप जो है जानकारी आप दीजिए कि वो कैसे दिखते हैं तो कैसे नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न था। उसके बाद में जो घरों की, उनके परिवारों की जिस तरीके से जासूसी करवाई गई, की गई, चाहे वो सुभाष बोस का परिवार रहा हो, तो क्या ये सरकारों को करवाना चाहिए था, वो भी प्रश्न है। लेकिन आजाद जी के सपनों पर काम करने का कितना प्रयास किया गया वो 2014 के बाद ही लोगों ने देखा।
लेकिन आपसे मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो आर्मी बनाई थी वो किन उद्देश्यों के साथ बनाई थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे और क्या उद्देश्य थे, क्योंकि आजादी तक तो उद्देश्य सीमित नहीं रहे होंगे। आजादी जिन्हें हमेशा सोचा होगा कि देश की आजादी के बाद में हम क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। जी देखिए केशव भाई, जी जैसा कि एक विषय पर आपने अभी एक चर्चा की थी, वो शायद मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। जी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के, क्योंकि आज मैं आपके इस इंटरव्यू पर हूं, तो मुझे लगता है मैं इस बात को जरूर स्पष्ट करूंगा कि एक्चुअली कई सवाल शहीद, एक्चुअली आए थे, लेकिन मैं उनको मुझे विस्तार से पता नहीं है और मैं कैसे रखूं ये, मुझे एक्चुअली आप आज लेकिन सामने हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर मुझे भी थोड़ा सा तो लग रहा है कि कौन सा सवाल रखूं जी, कौन सा नहीं। जी लेकिन फिर भी आपने जो चर्चा की वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और आज के युवाओं को उस पर सोचना चाहिए। जी और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपको इस विषय में और इस पृष्ठभूमि पर इतनी जानकारी है। मुझे आपके मुंह से ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपने आजाद जी के उस पन्ने को छुआ, उस इतिहास में जो उन्होंने दर्ज किया है। उनके रिश्तेदार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जी जो कि जिस समय वो काकोरी कांड किया था उसके बाद वो रह रहे थे झांसी में मास्टर साहब के यहाँ, मास्टर रुद्र नारायण सिंह जी यहाँ। मास्टर रुद्र नारायण सिंह जी, बीते दिनों में मुझे वहां पर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वहीं पर उनके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और उनसे कहने लगे कि माँ का हाल ठीक नहीं है, आप जाइए उनके पास और पिताजी भी आपको ढूंढा करते हैं, उनके हाल बुरे हैं, आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। जी तब चंद्रशेखर आजाद जी ने उनसे कहा, और जिस हॉल में कहा था वो हॉल आज भी झांसी में, जो झांसी का किला है उसके पीछे ही गली मास्टर साहब के घर की है, वहां वो हॉल आज भी मौजूद है। कभी कोशिश करूंगा कि उस जगह आपका ये चैनल जाए एक बार नहीं बिल्कुल, मैं भविष्य भी में। कोशिश करूंगा कि मैं पहुंचूं वहां ऐसी जगह, क्योंकि ये तो जी पवित्र स्थल है। एक बीच में टोकना आपको चाहता हूं कि किसी कवि ने बहुत दो लाइनें मार्मिक कही कि जहां शहीदों के स्वर्णित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। तो ये मंदिर मस्जिद जो है वो लाख कुर्बान हो जाते हैं, जहां पर उनके पैर रज तक पड़ जाते हैं, तो वो तो कृष्ण भगवान जैसे पैर पड़े, तो वैसे इन शहीदों के, इन वीरों के कम है। लोगों को मुझे लगता है कि वहां माथा झुकाना चाहिए, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ पढ़ने को, लेकिन कभी बताया ही नहीं जाता है कि वो कहाँ कहाँ रहे हैं, उनके वो जी धार्मिक स्थल ही नहीं बताए जाते, तो धार्मिक स्थल है जहाँ वो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जहाँ रहे हैं वो धार्मिक स्थल ही बन गया, कहते हैं कि जहाँ पग पड़ जाए, जहाँ रज पड़ जाए क्रांतिकारियों की, वो धार्मिक स्थल में ही बदल जाते हैं। उन्हें घर कहना मुझे नहीं लगता, लेकिन उनकी जानकारी कभी किसी तक पहुंची नहीं, बहुत कम लोगों को है और बहुत कम लोगों तक पहुंची है। आसपास के लोग भी बहुत कम जानते होंगे, मुझे लगता है कि अगर 10 किलोमीटर का दायरा आप ले लें उसके बाद में बहुत कम लोग जो है उसको समझते होंगे, इतनी बड़ी जी चीजों को बिल्कुल जिन्हें उन्हें बहुत बड़े स्तर तक समझना चाहिए। जी नहीं, बहुत उत्तम विषय आपने लिया है और मुझे इस पर आमंत्रित करके, और मैं बहुत प्रसन्न भी हूं कि हमारा जो पत्रकारिता जगत है वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के विषय में भी लोगों को जागरूक करने के लिए तत्पर है। और तत्पर होना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी ये विरासत है। देखिए, जी हमारी संस्कृति, हमारी विरासत यही है हमारे पास और यही भारतवर्ष के पास है। इसी वजह से भारतवर्ष आज पूरे विश्व में पूजा जाता है कि हम अपनी संस्कृति के संवाहक हैं। हम अपनी 1,96,08,53,122 वर्ष पुरानी संस्कृति के संवाहक हैं। इतनी पुरानी संस्कृति ऑन गूगल भी किसी देश की नहीं है जितनी पुरानी संस्कृति हमारे इस भारतवर्ष की है, इस धरा की है। जी और उसी संस्कृति को संजोने का प्रयास, इस पर मैं आया हूं, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे जी लगता है ये रुद्र जी ने बात, जब मास्टर रुद्र नारायण जी ने जब उनसे कहा तो फिर क्या हुआ, गया फिर क्या कहा। उन्होंने यही कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मास्टर रुद्र नारायण सिंह जी के घर पर गए जी और उन्होंने कहा कि माताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, पिताजी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं,
तुम्हारे पास जो भी पैसा है उसको लेकर के अति शीघ्र पिताजी के पास पहुंचो। तब उसी हॉल में आजाद जी ने अपनी जेब से कुछ दो तीन कारतूस निकाले अपनी पिस्टल के जी और हजारी प्रसाद जी के हाथ पर रख दिए जी और ये कहा कि ये जाओ, ये मेरे माता पिता के लिए है, जी ये मैं तुमको दे रहा हूं, इसका जो करना है, आप समझदार हैं, यही मैं उनको दे सकता हूं। कि अब इसका अर्थ आप लगा सकते हैं, कारतूस देने का मतलब कि जो मेरे पास धन एकत्र है वो देश के लिए है, और अगर वो किसी को देना भी पड़ा तो उसके लिए ये गोलियां हैं मेरे पास, वो भले ही उनके परिवार का क्यों ना हो। तो क्या ये उनको वाक्या चाहिए, उनके सीने में आप गोली उतार दीजिए कि अगर ये बेटा कहे तो उस समय जो है मुझे लगता है कि देश कैसा रहा होगा, क्या समझाया गया होगा। और तब जब एक सिगरेट जो है वो जर्मनी से इंग्लैंड से मंगाई जाती थी, उस दौर में लोग बैठा देखिए, करते थे बोलते थे आधा घंटे के लिए। बिल्कुल, जी एक सिगरेट मंगाई जाती थी, एक धोती को प्रेस करवाने के लिए जहाज जाता था, यह सभी को विदित है। इसलिए मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि शहीद क्रांतिकारियों को ही वो दर्जा न मिले, इसलिए अपने नाम को सर्वोपरि रखा गया, अपने नाम से अनेक अनेक दिवस बनाए गए। प्रयास रहता है कि हम राजनीति की बात करने से बचें, जी लेकिन एक भूतकाल में ऐसी रचनाएं रच दी गई हैं कि उन पर बात जब तक ना करें तो हमारी बात पूरी हो भी नहीं सकती। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि चाहे वो भगत सिंह जी का परिवार हो, उनके भी आज एक पौत्र हैं यादवेन्द्र संधू जी, मेरे परम मित्र हैं, और चाहे वो यहां तक कि खुद एक बार अभय सिंह संधू जी हैं, शहीद भगत सिंह जी के भतीजे, अभी तो नहीं है, अब वो नहीं है हमारे बीच, तो उन्होंने भी ये बात स्वीकारी थी एक नेशनल टीवी पर कि हमारे परिवार की भी जासूसी हुई, हमारे परिवार की भी जासूसी कराई गई। और जैसा आपने अभी मुझसे पूछा HRA के बारे में भी आपने पूछा, तो मैं आपके चैनल से मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा भी सौभाग्य है कि वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो सचिंद्रनाथ सान्याल और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर के निर्माण की थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, पंडित शहीद अशफाक उल्ला खान जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, ये सारे ही लोगों ने मिल करके इसी संगठन के बैनर के तले काकोरी कांड को अंजाम दिया। वही संगठन पुनः उसी काकोरी कांड के प्रेम कृष्ण खन्ना जी, मेरे पूज्य पिताजी को सौंप कर गए इसकी जिम्मेदारी। और आज भी, हालांकि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, लेकिन ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नाम है, ये माननीय श्री प्रेम कृष्ण खन्ना जी ने ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी शब्द पिताजी को दिया, कहा इसको ही आप आगे चलाते रहेंगे। और आज बड़े ही मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि हम लोग, अगर आप भारत की ट्रेनों पर एक तिरंगा देखते हैं इंजन के आगे, तो वो इसी संगठन की देन है। रेल मंत्री से मिलकर हमने दो ऑप्शन उनको दिए थे कि आप तिरंगा इंजन पर लगाएं या शहीदों के नाम से ट्रेन चलाएं, तो तिरंगे वाला उन्होंने स्वीकारा। और इंजन पर आप ऑन गूगल भी चेक कर सकते हैं कि खुद रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया कि ये कहां से इंजन पर हमने तिरंगा डाला, और उसके बाद फिर स्वयं रेल मंत्रालय ने बोगियों पर डाला, फिर स्वयं रेल मंत्रालय ने आज किसी भी स्टेशन के आगे आप देखेंगे तो तिरंगा आपको लगा मिलेगा। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ऐसा कर रही है, और कोशिश है कि उन्हीं शहीदों का जो सपना था उसको हम साकार करें। अभी भोपाल में भी आपको मैं बताना चाहूंगा, एक कांग्रेस की सरकार ने शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा को रोड से हटा करके किनारे कर दिया, विकास का हवाला देते हुए। लेकिन हुआ क्या, उस जगह पर लगा दी गई वहीं के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि भोपाल गैस त्रासदी के जिम्मेदार थे, जिन्होंने एंडरसन को खुद वहां से गाड़ी तक एयरपोर्ट तक छोड़ा था, उनकी प्रतिमा वहां पर लगा दी गई। और हम लोगों ने 1 महीना वहां पर अनशन किया, और अभी 2 महीने पहले बिना आवरण के वो मूर्ति वहां से हटाई गई। तो कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि हम मैंने सबको, सर सुना है लोगों से कि लोग खून का प्रमाण मांगते हैं। मुझे नहीं पता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन कई ऐसे जो है क्रांतिकारियों के परिवार ने मुझे बताया कि मुझसे प्रमाण मांगते हैं लोग कि क्या प्रमाण है कि आप उनके परिवार से हैं।
जी और आप उसका फायदा सीधे सीधे उठा रहे हैं, अगर उनका आप नाम ले रहे हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। तमाम प्रश्न, जी तमाम चीजें, क्या इन चीजों से आपको भी गुजरना पड़ता है, या आप गुजरे हैं इस देखिए, त्रासदी से हाँ कि ऐसा नहीं है। ऐसे बेकार के जो जो प्रश्न जो आते रहते हैं, कि जो प्रश्न चिन्ह उठाएं जो किसी लायक कभी नहीं रहे हैं और जो शायद किसी भी लायक नहीं है, वो जी लोग जब प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो हंसी आती है और फिर थोड़ा सा दर्द भी मन में होता है और दुख भी होता है कि काश ये ना किया होता तो कम से कम ये इस प्रश्न से तो मैं बच पाता। लेकिन खुशी इस बात की है कि देश की खातिर हमारे पूर्वजों ने जो किया है वो बहुत ही अतुलनीय है, उसको शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता है। देखिए, हम लोग उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और इन्होंने जी अपने परिवारों को छोड़ा। मैं आपकी इस बात पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 23 साल की उम्र में जी शहीद भगत सिंह जी ये तय कर लेते हैं कि मुझे फांसी पर लटकना है जी और संसद में जाकर के बम फेंकना है, क्योंकि असेंबली में बम डालना है। चंद्रशेखर आजाद जी ने मना किया, तुमको नहीं जाना है, फिर भी वो गए। क्या जी आज का 23 साल का युवा इतना कर सकता है, या सोच भी सकता है? करने की बात दूर है। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने 24 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र से ही ये सोच लिया था। अपनी सदरी की जेब में गोली वो रखकर इसलिए घूमते थे कि ये जब मेरे पास बचेगी तो इसको मैं सामने दुश्मन पे चलाऊंगा, जी दुश्मन पर नहीं चलाऊंगा, ये मैं अपने मारूंगा। ये सोच करके उन्होंने वो गोली अपने पास रखते थे कि ये सामने नहीं चलेगी, ये मेरे ऊपर चलेगी जब ये होगी मेरे पास आखिरी। मैं आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा। और वही संकल्प है कि आज वो आज भी आजाद हैं, और शहीद भगत सिंह जी आज भी इनकलाब कि वो क्षमा को आज भी वो रोशन कर रहे हैं, क्योंकि वो 23 साल के युवा थे। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जज्बा उन लोगों का था। तो कहने की बात, जैसा आपने कहा, हम लोग वहां तक शायद उस क्षमा को, उस मशाल को, उस दिए में हम आपके शो के जरिए से, या जगह जगह जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम तेल डाल के उसको बराबर जला सकते हैं, उसमें तेल डालने का काम कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरी कोई क्षमा ऐसी नहीं जला पाएंगे जिंदगी में जितनी बड़ा वो काम कर गए, इस देश को आजाद करके हमें दे गए। बस हमें उस आजादी को संजो करके रखना है। दुनिया में तमाम तरीके की प्रतिज्ञाएं हर युग में हुई हैं, जी लेकिन कलयुग की सिर्फ एक ही प्रतिज्ञा है जो महान प्रतिज्ञा है, क्योंकि हर युग में देवताओं ने ही प्रतिज्ञाएं की हैं। तो मुझे लगता है कि वो देवता ही थे, इसीलिए देवांश बिल्कुल ही थे, तभी वो प्रतिज्ञा। नहीं तो एक आम आदमी के लिए ये प्रतिज्ञा कर पाना कि मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, खुद को गोली मार लूंगा, ये मैं बहुत वही बड़ी प्रतिज्ञा होती है, एक भीष्म प्रतिज्ञा। जी जोड़ो इससे। जी जी, मैं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही। जी, मैं पुनः बताना चाहूंगा, वो मास्टर साहब जी का जो घर है वहां से थोड़ी दूर पर चौकी है सामने। जी आजाद जी मास्टर साहब को सिर्फ दिखाने के लिए रोज वहां से टहल कर मूछों पे ताव दे के चले आते थे कि देखो, मुझे कोई जानता तक नहीं, मुझे जी कोई नहीं पहचान पाता, जी क्योंकि आजाद गुलाम भारत में एक ही आजाद था, वो थे चंद्रशेखर आजाद जी। उनको जी किसी ने देखा ही नहीं था। जी और यही फोटो वाली एक बात, मैं बात पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं। आपने सवाल पूछा था मुझसे, जी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आपने कहा कि लोग पूछते होंगे अक्सर जी कि आप परिवार के हैं या नहीं हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, जो भी शहीद परिवार हैं आज, कुछ लोग कहते हैं शादी की कि नहीं की, वो देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी, शहीद भगत सिंह जी, या राजगुरु, या सुखदेव, ये सब अविवाहित थे, इन्होंने किसी ने विवाह नहीं किया। जी आज जो भी परिवार है वो सब भाइयों से है। जैसे कानपुर का, मैं पीछे जाना चाहूंगा, कानपुर में एक भौती गांव है, कानपुर देहात में, वहां पर पंडित टीकाराम तिवारी, प्रकांड ब्राह्मण, उनके पंडित राम भरोसे तिवारी, पंडित सीताराम तिवारी, सीताराम तिवारी जी बाद में जहां पर उनकी ससुराल थी बदरका में, वहां चले आए। जगरानी देवी जी से उनका विवाह हुआ, उससे पहले गोविंदा देवी जी से विवाह हुआ, फिर 1899 में एमपी चले गए, मध्य प्रदेश में, जहां पर झाबुआ में, जो कि आज चंद्रशेखर आजाद नगर है, वहां पर जी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ। उससे अलीराजपुर पहले अलीराजपुरा में, उससे पहले सुखदेव, उनके बड़े भाई आजाद जी के, जिनका जन्म यहाँ बदरका में ही हो गया था।
सुखदेव जी को गोद में लेकर 1899 में यहां से वो झाबुआ चलेगा और वहां रहे, और रहेगा यहाँ पंडित राम भरोसे तिवारी, जो आकर के मलियाबाद, जहाँ का आम पूरे विश्व में मशहूर है, वहां पर रहने लगे आकर, जिनके परिवार से हम लोग चल रहे हैं। पंडित महावीर प्रसाद तिवारी, पंडित लक्ष्मण तिवारी, ये पूरा परिवार पीछे से राम के नाम पर ही चला है, रामायण के नाम पर ही चला है। जी पंडित सीताराम तिवारी, पंडित राम भरोसे तिवारी, पंडित महावीर प्रसाद तिवारी, पंडित लक्ष्मण तिवारी, पंडित अंजनी तिवारी, महावीर प्रसाद तिवारी जी के जो पुत्र हैं वो हमारे पिताजी हैं, पंडित सुजीत आजाद तिवारी जो कि चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे हैं, जी वो आपके पिताश्री उनका मैं बेटा हूं, और मैं उस कारण ही तो आजाद जी हमारे। अलीराजपुर के बाद में फिर कहाँ परिवार जो है गया, क्योंकि इलाहाबाद जो है कैसे पहुंचे? नहीं, हम लोग तो देखिए लखनऊ में हैं, और यही मैंने आपको जैसा बताया, मलियाबाद जो जगह है, मलियाबाद में ही हमारा जो पंडित राम भरोसे, हमारे परदादा सीताराम तिवारी जी के जो भाई थे, वो मलियाबाद में ही रहे हमेशा, और वहां से फिर हम लोग लखनऊ के रकाबगंज में आ गए, और जो हमारे जो पंडित राम भरोसे तिवारी जी के अगर हम पोतों की बात करें, तो हमारे पिताजी को मिलाकर के कुल आजाद जी के 14 भतीजे हैं, वो लखनऊ में ही आपको मिलेंगे, कुछ बरेली में हैं, दो तीन जी तो कुछ अपना अपना नौकरी में थे, जैसे हमारे दादा रेलवे की नौकरी में रहे हमेशा, जी दूसरे जो थे उनका अपना ट्रांसपोर्ट का कार्य रहा, आज भी जो उनके बच्चे बेटे हैं वो अपने ट्रांसपोर्ट के कार्य में, कुछ सरकारी नौकरी में, तो हमारे जो पिताजी थे उनको हमारे दादा उन्होंने महावीर प्रसाद जो विरासत थी जो जी आजाद जी की, उस हम्म, विरासत को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो आपके पिताश्री ने उसको आगे जी बढ़ाने का उन्नीस जिम्मा सौ दिया। अस्सी में 1980 में माननीय प्रेम कृष्ण खन्ना जी काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे, उन्होंने शाहजहानपुर में जो शहीदों की नगरी है वहां पर लखनऊ से मेरे पूज्य पिताजी को बुला लिया कि आप मेरे साथ रहिए आकर के, और वहीं पर मेरा भी सौभाग्य रहा कि खिरनी बाग, जहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का घर है, आज भी है, वहीं मैं पला बड़ा, उन्हीं प्रेम कृष्ण खन्ना जी की जीप से मेरा भी स्कूल आना जाना हुआ, तो ये हमारा अब तक का इतिहास रहा है जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वहां से कैसे अलीराजपुर से जो है उनका जो सफर रहा वो इलाहाबाद और झांसी कैसे किस तरीके से रहा, कुछ आप क्योंकि जी आपके देखिए, दादा ने और जो लोग रहे होंगे परिवार में बताया होगा कुछ ना कुछ ऐसी जी बातें जो किताबों में तो नहीं होंगी लेकिन वो परिवार को सिर्फ केवल मालूम होती है कि विरासत के रूप में जो चलती चली आती है कि ये ऐसा रहा वैसा रहा जो जी एक के जी बाद में एक करके। जी कुछ ऐसा देखिए, किस्सा जो किस्से जो अनसुने हैं और जिन्हें आप जो है सुनाए, क्योंकि दर्शक भी ये सुनना जो है चाहते हैं, क्योंकि उन किस्सों को अगर आप साझा करेंगे तो किताबों में हर चीज संभव नहीं है, क्योंकि तो वो तो एक जी पूरी ग्रंथ है, उन पर जितना लिखा जाए जितना कुछ कहा जाए बहुत कुछ छूट जाएगा। देखिए, मैं भी असल में मेरा भी यह सौभाग्य रहा है कि मेरा भी जो वास्तविक में क्रांतिकारी थे, परिवार से तो हूं अलग बात है, लेकिन जो जिन्होंने उस दौर को जिया है, जो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो उस समय पार्क में मौजूद थे अंतिम समय तक, मैंने अपने ही जीवन काल में उनको सुना है, उनसे चीजें सुनी है, किताबों की तो अलग बात है, जब उन्होंने उनके ही मुंह से मैंने, आज अगर आप मुझे देखें, मेरे ये ग्रे सदरी में पहनता हूं हमेशा, स्लेटी कलर की, हाँ जी बिल्कुल तो ये इसीलिए मैं दूसरे कलर नहीं पहनता हूं, क्योंकि ये शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत प्रिय कलर था, प्रिय कला ये उनका प्रिय रंग था, उनकी जो सदरी होती थी वो इसी कलर की होती थी, इसीलिए मैं आज भी ये कलर पहनता हूं, ये एक बात। दूसरी बात, सुखदेव राज से ही, हालांकि किताबों में तो लिखा है कि आजाद जी ने कहा था कि मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगी, मेरा संकल्प है, लेकिन ये बात भी कि अंतिम गोली मेरे ही लिए है, सिर्फ सुखदेव राज जी को ही उनकी बात पता थी, ये सुखदेव राज जी के मुख से मैंने सुना। दूसरी बात, मैं पीछे जाना चाहूंगा, आपने दूसरी बात पूछी कि देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, आजाद जी भावरा से सबसे पहले तो वो महाराष्ट्र चले गए थे, मुंबई में, वहां वो बहुत दिन रहे, उसके बाद फिर वे झांसी में आए, वापसी की उन्होंने, जहां से उन्होंने एक ड्राइवर भी बने, एक सेठ के यहाँ तक कि उस सेठ को कभी उनके बारे में पता नहीं चला कि ये चंद्रशेखर आजाद जी ही हैं, आजादी है और उस समय कोई ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी नहीं कोई होता था कि नहीं आप कागज आप जमा कर दिए करिए या दस्तावेज कुछ इस प्रकार का था नहीं पहले चलन ये। कोई कोई दस्तावेज नहीं था, और बलराज नाम के साथ वो वहां पर रहे, उनका नाम बलराज था उस समय जब वो वहां पर थे। हाँ, उसके बाद आपने जो झांसी के पास एक जगह है,
सतारा नदी के किनारे, जहां वो मंदिर बना कर रहे, आज भी वो कमरा है, वहां पर आप जा सकते हैं। हालांकि सरकारों को उतना ध्यान देना चाहिए, नहीं दिया है, ये भी एक विडंबना है, जितना देना चाहिए, हालांकि जितना अभी दिया है इस दौर में, जी उसके लिए सरकार को शुभकामनाएं हैं, लेकिन लेकिन वो अगर जगह ये अभी भी। यही अगर इतना ही समय और इतना वक्त अगर ये शुरुआत से दिया गया होता तो आज इतिहास कुछ और होता और युवाओं में जो सोच होती वो कुछ और होती। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, इतना ही अगर शुरू से दिया होता, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि कोशिश की गई कि एक ही परिवार का नाम रहे, एक ही व्यक्ति का नाम रहे, कि दूसरा कोई कुछ है ही नहीं, भले ही उसने अपनी जान दे दी हो, अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया हो, सिर्फ एक ही परिवार रहे, यही आज तक मनाया गया, लेकिन देर से जो भी ईश्वर करता है वो अच्छा हुआ कि अब कम से कम एक आजादी का अमृत महोत्सव तो चल रहा है, जिसमें कम से कम नाम तो लिए जा रहे हैं। मैं भी बिल्कुल सरकार के कई कार्यक्रमों में गया जिसमें कम से कम आजाद जी के बारे में बताना होता है, भगत सिंह जी के बारे में बताना होता है, तो ये बड़े अच्छा है कि भारत जग रहा है, और अच्छी बात यह है पत्रकारिता के माध्यम से जग रहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी, आपने भी इस विषय को आज लिया, ये बहुत उत्तम विषय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी आजाद कैसे बने, ये भी सभी को विदित है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बनारस में वो जेल आज भी मौजूद है, जिस जगह पर उनके वो बेंत लगाए गए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि मेरी माता पिता का नाम है स्वतंत्र, माँ का नाम है आजादी, और मेरा नाम है आजाद, और रहता हूँ जेल खाने में। तो जज ने कहा तुम्हारा क्या नाम है, उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है, और उनके बेंत पढ़ते गए, और वो कहते रहे कि महात्मा गांधी की जय, वो कहते रहे वंदे मातरम भारत माता की जय, उन्हें लोगों ने उन्होंने अपने कंधे पे उठा लिया और उठा के कहा वास्तव में ये बच्चा आजाद है, एक 15 साल का बच्चा, आज भी वहां पर अंकित है ये उम्र, कि 15 साल का बच्चा इतना जज्बा रख सकता है, और उनको अपने सिर पर रख लिया, और उन्होंने कहा कि वास्तव में ये आजाद 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 है, और वो आज भी हम और आप उनको आजाद के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो ये होते हैं इस देश के शहीद। और बात शहीदों की अगर हम करें, मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहूंगा 1925 में जब काकोरी कांड हुआ, काकोरी कांड के विषय पर थोड़ा दृष्टिकोण एक बार मैं उस विषय पर बोलना चाहूंगा। जी शाहजहानपुर में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कि शहीद चंद्रशेखर आजादी, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल जी, मन्मथनाथ गुप्ता जी, प्रेम कृष्ण खन्ना जी, ये सारे, खन्नौत एक नदी है शाहजहानपुर में, जी जिसके किनारे ये सब एकत्र हुए, और वहां पर चर्चा हुई कि हमें खजाना लूटना है। हालांकि इस पर अशफाक जी तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते। तो पंडित जी ने कहा, बिस्मिल साहब ने, कि देखिए हमें खजाना लूटना है, और जब हमने अपना ये निश्चय कर लिया है कि हम अपने प्राणों तक को त्याग सकते हैं, तो लूट मार करना तो अलग की बात है, और ये ये तो लूट बहुत लूट साधारण सी नहीं बात है, होगी। अगर करना पड़ेगा। जी, उन्होंने कहा ये लूट लूट नहीं होगी, ये सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की चूले हिलानी है हमको, ये बता करके कि तुम ही सर्वोपरि नहीं हो, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले आज भी इस भारतवर्ष में रहते हैं। और उन्होंने सहारनपुर एट डाउन पैसेंजर को रोका, काकोरी स्टेशन से वो सब चढ़े। मैं आपको बताना चाहूंगा शायद काकोरी कांड 7 अगस्त को ही हो जाता, शायद 8 अगस्त को ही हो जाता, अगर उनके सामने से वो ट्रेन न गुजर गई होती, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों को ये पता ही नहीं चला कि यही वो ट्रेन है जिसे हमें लूटना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा काकोरी कांड के समय जो सबसे छोटी उम्र के थे, मन्मथनाथ गुप्ता जी, उनकी ड्यूटी लगाई गई बिस्मिल साहब ने कि आप पता करेंगे कौन सी ट्रेन है, तब हम उस पर धावा बोलेंगे। उसके बाद लखनऊ से 14 किलोमीटर पैदल रेलवे लाइन के किनारे किनारे मन्मथनाथ गुप्ता जी ने 2 दिन पैदल चल करके देखा कि कौन सी जगह है, कहाँ पर ट्रेन रोकनी है, कौन सी वो गाड़ी है। तब वास्तविकता में उन्होंने ही बताया कि ये ट्रेन है, इसी को हमें लूटना है, और इस जगह पर आउटर 2 किलोमीटर पर हमें रोकनी है, जहां पर वो आज स्थान बना हुआ है काकोरी स्मारक, कभी आपका चैनल वहां भी जाकर उसको कवर करेगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल तब हमारे शहीद वहां से चढ़े काकोरी स्टेशन से, और उस दिन भी उसमें भारी मात्रा में सशस्त्र बल तैनात था अंग्रेजी हुकूमत का, लेकिन बिस्मिल साहब ने अशफाक जी को उंगली दिखा दी कि चेन खींच दो, जो होगा देखा जाएगा।
और देखिए क्रांतिकारियों का जज्बा कि वो सशस्त्र बल ट्रेन से उतरा ही नहीं, वो अपने अपने केबिनों में दुबक गया। जब तक ट्रेन पूरी लूट नहीं ली गई, ट्रेन पूरी नहीं, जो खजाना था उसको जब तक पूरा लूट नहीं लिया गया। हालांकि एक व्यक्ति इसमें हताहत हुआ था, वो भी अपने ही किसी कारण से। जी और उसके बाद 7:25 पर जब वो बक्सा किसी से नहीं टूटा, तब अश्फाक जी ने, जो कि उसमें बहुत लंबे चौड़े थे, उन्होंने अपने हथौड़े से जी 10-15 प्रहार किए, वो बक्सा खुल गया था। और वहां से सब इधर जो चौक एक एरिया है लखनऊ में, वहां आकर के एक छेदीलाल धर्मशाला है आज भी, जी उस छेदीलाल धर्मशाला में सब आए और सामने वाला कमरा लिया, क्योंकि उसमें खिड़की, आज भी खिड़की है वहां पर, ताकि हम देख सकें कहां पर क्या हो रहा है। वहां से फिर अपने अपने गंतव्य को सब गए। दूसरे दिन का जो अखबार था वो आग उगल रहा था कि ये महात्मा गांधी से सवाल किया गया कि ये आपकी अहिंसावादी है, ये आपके युवक है अहिंसावादी, आप तो अहिंसा की बात करते हैं। तब उन्होंने एक बयान जारी किया था कि ये कुछ सिर फिरे युवक हैं, मेरा इन युवकों से कोई लेना देना नहीं। और यही वो वाक्य था जहां से क्रांतिकारियों की और सरकार की राहें अलग अलग विचारधारा हो और चुकी। दशा दोनों बदल गई, वो नरम दल और गर्म दल जी में जो है अलग अलग जो है बदले। जी जी बिल्कुल, आप जो है जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर शुरुआत से कहीं ना कहीं नरम दल का भी योगदान रहा है, लेकिन जो नरम दल के साथ जितनी नरमी बरती गई, उतनी अगर गर्म दल के साथ नरमी बरती जाती तो ना तो उन अंग्रेज अधिकारियों को ये झेलना पड़ता, क्योंकि अंतिम में उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि इनकी वजह से हमें मिला है। उन्होंने लास्ट में बस जो गर्म दल की वजह से ही ये देश छोड़ना पड़ रहा है ये भी लिख दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि उन अंग्रेजों को जिस तरीके से बढ़ाते रहे, फोटो इनकी है सारी, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की तो कोई फोटो है ही नहीं किसी अंग्रेज अधिकारी के साथ में। तो कहते हैं कि ये आरएसएस वाले जो है वो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, ये हिंदू तलवे चाटते रहे, वो तलवे चाटते रहे, लेकिन लोगों के ऊपर लगातार इल्जाम लगाए गए कि नहीं, ब्राह्मण जो है वो सबसे ज्यादा उनके पास में झुके। तो मैं कहूंगा कि ब्राह्मण झुके, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं, वो पंडित जी ही थे। पंडित जो अपने आप को सबसे पहले लगाते थे, जवाहरलाल नेहरू जी, कभी उनके ऊपर कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, एक फोटो पर नहीं। आप इडविना के साथ में देखिए, आप तमाम लोगों के साथ में फोटो बैठकर जाते हुए हंसते हुए, एक भी क्रांतिकारी पूरी आजादी में हंसा तक नहीं, हमेशा गंभीर रहा। परिवार उसका ऐसी स्थिति में रहा जो ये समझिए कि उनको गोली तक निकालने की और देने की, और कि आप उनको खत्म कर दीजिए, मैं समझूंगा कि मेरा परिवार था ही नहीं। अनाथ होना स्वीकार हो गया कि अनाथ हो जाऊंगा वो ठीक है, लेकिन देश को अनाथ नहीं होने दे सकता, देश को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो आप जिस तरह बताते हैं कि जो उनके साथी थे, तो ये जो अंतिम शब्द जो लिखे जाते हैं, जिन पर कहा जाता है, उन्होंने कहा कि माँ बस मुझे माफ करना, मैं साथ नहीं दे पाया। जब ये हम लोग फिल्मों में जब एक नाट्य रूपांतरण के तहत भी देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और खून खौलने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस समय ये शब्द निकले तो होंगे ही, क्योंकि एक आजादी का मतवाला अगर इतना बड़ा शब्द नहीं बोले तो आजादी के लिए वो दौड़ रहा था, ये तो सब निकलना ही था, होना ही था। लेकिन जो हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, वो तो सभी ने देखा। उस पर कोई शब्द नहीं आज तक जो है बोल रहा, ना कोई जांच उसके बाद में बिठाई गई, जासूसी कराई गई, जांच नहीं बिठाई गई। लेकिन जिस वंदे मातरम की वजह से, जो खुदीराम बोस 9 वर्ष की उम्र में जिस वंदे मातरम के पन्ने बांटते हैं और वहां से चिंगारियां जलती हैं, उस जिस वंदे मातरम की वजह से जो है देश में एक आग जो है ज्वाला का रूप ले लेती है, उस वंदे मातरम को सिर्फ ये बोला जाता है कि आप छुरी रख दीजिए, कोई बोलता है कि वो आतंकवादी, आज तक एक्शन नहीं। देश को कहते हैं कि अंग्रेजों ने माफी नहीं मांगी जलियांवाले बाग हत्याकांड पे, उन्होंने इतना बड़ा करवाया। मैं कहता हूं देश के अंदर जिन्होंने इतना बड़ा शब्द बोल दिया, उन्होंने माफी नहीं मांगी। अंग्रेज तो बहुत दूर की बात रही, इंग्लैंड क्यों, इंग्लैंड तो बाद में माफी मांगेगा, इंग्लैंड तो बाद में उठता है कि हमारे देश के जो अंग्रेज हैं वो कम माफी मांगेंगे, जिन्होंने ये सब चीजें हर रोज बोलते रहते हैं, उन्हें कोई ऐसा बिल नहीं आना चाहिए क्रांतिकारियों को चोट पहुंचाए, जो देश की अस्मिता को पहुंचाए, देश की आस्था को चोट पहुंचाए। और किसी भी क्रांतिकारी को चोट अगर पहुंचाता है तो उसको कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो फिर कैसा संविधान, कैसी आजादी, फिर तो चाहे जो करो। अगर एक महाराज जी बोल देते हैं कि गांधी जी कुछ आगे अपशब्द लगा करके, तो उनको रात में ही उठवा लिया जाता है, ठीक है किसी पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किसी क्रांतिकारी पर नहीं बोलना चाहिए, उसमें वीर सावरकर भी तो आते हैं। मतलब आप दिन रात कर सकते हैं, राहुल गांधी जी दिन रात बोलते रहते हैं,
उनके ऊपर, तो वो चलेगा। ठीक है, तो आज जो है, आज का जो दौर है, जो संविधान में जो नए बिल नहीं आने चाहिए, जिससे देश की, राष्ट्र की अस्मिता जो खतरे में है, वो खतरे में नहीं दिखाई देती है। इनको संविधान खतरे में दिखाई देता है, इनको कुर्सी खतरे में दिखाई देती है, इनको लोकतंत्र भी कभी कभी खतरे में दिखाई देने लगता है। कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूंगा जी कि जब वो कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं जो मैं माफी मांगूंगा, ठीक है, तो पहले तो उन्हें पता करना पड़ेगा आप वास्तव में सावरकर नहीं हैं, और आप क्या, आपकी पीढ़ियां भी सावरकर नहीं हो सकती, क्योंकि सकते सावरकर बनने के लिए सेलुलर जेल में एक बार जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर देखना पड़ेगा कीड़ों से युक्त दाल, जी दूर देश जहां पर वीराना था, दिन रात कोड़े लगाए जाते थे, तलवारों पर खड़ा किया जाता था, तब बनते हैं सावरकर। और भगवान करे इस देश में सावरकर एक नहीं, 1,000 पैदा हो, क्योंकि मैंने आपके भी शब्द भी सुने, एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट के मुंह से जो शब्द हैं क्रांति की रसधारा को लेकर के, इतने सुंदर मुझे लगे, ये होना चाहिए। और उन लोगों से मैं पुनः कहूंगा कि सावरकर एक नहीं, सावरकर यहां पैदा होते रहेंगे। और अगर वो हिंदुत्व की बात करें, वो परिप्रेक्ष्य और था, उस समय सिर्फ और सिर्फ हमें आजादी चाहिए थी, और वो हमारे शहीदों ने ठाना था कि इसे हम ले करके रहेंगे, उन्होंने लिया, भले इसका श्रेय कोई भी ले, कोई भी कहे कि बिना तलवार के साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। मैं मानता हूं महात्मा गांधी जी की वजह से हमें आजादी मिली, लेकिन शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पिस्टल से निकली हुई गोली भी बेकार नहीं गई थी, और शहीद भगत सिंह जी की फांसी भी बेकार नहीं गई थी, और सावरकर जी ने जो बलिदान सेलुलर जेल में दिए हैं वो भी बेकार नहीं गए, और ना कभी जाएंगे, कोई कितना भी कहे, लेकिन जो इतिहास है वो अपनी गवाही खुद देता है। समय और वक्त अपने आप अपना हिसाब देता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि कौन क्या है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जो लोग, जो पार्टियां अपने बैनरों के ऊपर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, इन सब के चित्र लगाते हैं, वो लगाने के साथ साथ कम से कम उनके लिए क्या हमें करना है ये भी सोचें। जैसा कि आप नहीं, मुझे अभी मेरी चर्चा हुई थी तो आपने भी मुझसे बताया कि इन शहीदों का सम्मान कहाँ है, जो आज की वर्तमान सरकार कर रही है ये पहले क्यों नहीं हो गया, या जो कर भी रही उससे ज्यादा क्यों नहीं कर रही है। शहीदों को शहीद का दर्जा सरकार को नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। हालांकि मैं नहीं मानता कि कोई शहीद का दर्जा देगा तब आजाद जी या भगत सिंह जी, अशफाक उल्ला खान जी ये शहीद होंगे, क्योंकि जनता इन्हें शहीद मानती, इस देश की जो नींव है वो इन्हें शहीद दिल से मानती है, इसलिए कोई दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। पर सरकार ने ऑथेंटिक रूप से, संवैधानिक रूप से इन्हें दर्जा देना चाहिए। और जैसा कि आप कुछ शब्द कहे कि यहाँ की पूर्व सीएम मायावती जी ने जब चंद्रशेखर आजाद जी को आतंकवादी बोला तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई, निश्चित रूप से होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है जो आपने भी कही, शायद मुझे भी कहना चाहिए था कि एक ऐसा बिल आना चाहिए कि क्रांतिकारियों के ऊपर जब कोई शब्द बोलता है, अभी एक संत ने जब बोल दिया उनको तो जेल हो गई, उनका क्या होगा, तो हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर जो अपशब्द बोले जाएं उनके ऊपर भी शीघ्र कार्रवाई हो, ऐसा एक संविधान में विदित होना चाहिए और ऐसा एक बिल आना चाहिए निश्चित रूप से। इसका मैं भी बहुत बहुत एटीवी न्यूज के माध्यम से केशव भाई का भी समर्थन करता हूं पुरजोर तरीके से। क्योंकि देश के अंदर लोग जब ये देखते हैं कि कोई कुछ भी बोलने लग जाता है तो लोगों की आदत पड़ जाती है, लोग फिर कुछ भी बोलने लगते हैं। जब एक मुस्लिम धर्म का, एक बहुत बड़े तबके का नेता जब ये आकर के कहता है कि आप हमारी गर्दन पर आप चाकू रख दीजिए, तलवार रख दीजिए, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम है क्या, ये आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चला। माँ की वंदना है, चीजें हैं ये बोलने से। और जबकि वो क्रांतिकारी भारत माता की जय बोलते आए, वो क्रांतिकारी जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे उन्होंने भी भारत माता की जय के नारे लगाए।
वो कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि आप मुझे जो है आप मेरी गर्दन पर आप तलवार रख दीजिए, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन आजादी दूंगा। आज जो ये चिल्ला रहे हैं कि हमें इससे चाहिए आजादी, मोदी से चाहिए आजादी, बीजेपी से चाहिए आजादी, हमें ब्राह्मणवाद से चाहिए आजादी, हिंदू से चाहिए आजादी, मैंने कई बार कहा है कि जहां दलितों को लेकर के देश के अंदर ये चीजें फैलाई जा रही हैं, सिखों में दलित जो हैं वो क्या ब्राह्मणों की देन है, ईसाइयों में जो दलित हैं वो क्या ब्राह्मणों की देन है, जो मुस्लिम दलित जो बोले जाते हैं वो क्या ब्राह्मणों की देन है क्या? और दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि जो कई बार जो है हमने कहा है कि जब भी क्रांतिकारी की बात आए तो क्रांतिकारियों के साथ में जो ये फोटो कई तमाम लोग लगा देते हैं, लगाते हैं, जो छोटी सी फोटो लगाते हैं वो नहीं लगानी चाहिए। फोटो लगाते हैं लेकिन दो शब्द नहीं बोलते हैं, शुरुआत भी पार्टी से होती है और खात्मा भी पार्टी पर ही हो जाता है। तो जहां से जय, पार्टी की जय से शुरू होते हैं और पार्टी की जय पर ही खत्म होते हैं, ना कोई अमर रहेगा ना रहता था। मैं जब बचपन में पढ़ा करता था तो स्कूल में हमारे जो है सरस्वती ज्ञान मंदिर में जब मैं जाता था तो वहां सुबह सुबह पहले वंदे मातरम होता था, फिर उसके बाद में जो है वहाँ राष्ट्र गीत के बाद में जो है जो नारे लगवाए जाते थे तो उनको भी हम लोग जो है कहते थे और रोज याद भी हो जाता था। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ाया भी जाता था, बताया भी जाता था, भोजन मंत्र से लेकर के तमाम विधि और खाने पीने से लेकर के हर तरीके जो है बताए जाते थे। आज मिशनरी स्कूलों में क्या हो रहा है, वहां आप जो है कान्हा के जन्मदिन को, कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के बजाय आप 25 दिसंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं, आप मनाइए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दो चीजों में जहां हम क्रांतिकारियों की भी बातें जोड़ते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, ईद के दिन, जैसे मान लिया कि ईद है, मैं किसी भी धर्म पर नहीं बोल रहा हूं, अगर ईद आई है तो क्या एक हिंदू दूसरे हिंदू को यह बोलता है कि ईद की बधाई? ठीक है, लेकिन मैं वहीं पर आ जाता हूं कि दिवाली आई, दिवाली त्योहार सभी का फिर होना चाहिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को क्या ये बोलता है कि दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भाईजान? नहीं बोलता है। होली आती है तो क्या एक ईसाई दूसरे ईसाई को बोलता है कि हैप्पी दिवाली? नहीं बोलता है। हिंदू को भले बोले लेकिन वो आपस में कभी नहीं बोलते हैं। हिंदू जिस तरीके से बोलते, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, 25 दिसंबर हो, उनसे ज्यादा अपनी चीजों से ज्यादा उसके बारे में मालूम होगा। दूसरी चीज है कि जब भी बात डोनेशन की आती है तो हर चीज पर दे देंगे, लेकिन उनको एक फंड जो है, पार्टियों के अकाउंट नंबर तो लोगों को पता है, जो साल में शायद मुझे लगता है 50 बार 500 बार शेयर करते होंगे कि इसमें आप पैसा दान कीजिए, अगली सरकार आप बनाइए, लेकिन आपको उन क्रांतिकारियों के परिवारों के कोई भी अकाउंट नंबर याद नहीं है। लोग कहते हैं उनके परिवार को क्यों छोड़ा जाना चाहिए और उनमें क्यों परिवार में उनकी छवि देखनी चाहिए? मैं कहता हूं इसलिए देखनी चाहिए, जब कृष्ण भगवान के मंदिर में जहां उनके पग पड़े थे, जहां उनके पैर पड़े थे, जहां वो खेले थे, तो अब तो नहीं खेल रहे ना, तो हम उनमें कृष्ण ढूंढने की कोशिश कर तो रहे, उससे हमें संतुष्टि मिलती है, दिल को सुकून मिलता है ये करके कि कम से कम भगवान यहाँ रहे थे और हम भी कुछ पल यहाँ गुजार रहे हैं, तो हमारे मन को शांति मिलती है। आपने कहा कि हमारे दादाजी इस कलर को बड़ा सम्मान देते थे और वो उन्हें बहुत प्रिय था, आप इसलिए नहीं, आपको कौन सा कलर प्रिय है ये आप अपना कलर भूल गए, ये भक्ति आपकी है अपने दादा के प्रति, से भक्ति भी कहा जा सकता है कि आपने कहा कि जब हम ये कलर पहनते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है, आप देखते हैं कि शायद वो कहीं से भी मुझे देख रहे होंगे, ये मेरे ऊपर गर्व थोड़ा कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे हमारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये है कि एक संतुष्टि मिल जाती है। जैसे आज आपसे बात की तो हमें लगता है कि हम उस खून से बात कर रहे हैं, उस परिवार से बात कर रहे हैं, मन को तसल्ली मिलती है। यही बातें एक आपको एक्सपर्ट बता सकता है, प्रोफेसर बता सकता है, शायद अमित आजाद तिवारी जी से ज्यादा बता सकता है बैठ करके यहां पर, उनसे अधिक बता सकता है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलेगी मुझे उनके बारे में जान करके कि वो जब उनके परिवार का उनका अंश है, उनका रक्त आकर के जब वो शब्द बताता है तो देश उसे जो प्रभावित होता है, मुझे संतुष्टि मिलती है कि मैं कहीं ना कहीं ईश्वर के अंश से मिला हूं, तो मुझे ये लगता है कि मैं उनमें ईश्वर खोजने की कोशिश क्यों ना करूं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, उन पर श्रद्धा का कोई विषय नहीं होना चाहिए, किसी को आगे ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो व्यक्ति जहां पर है उसका वो स्थान कोई उससे छीन नहीं सकता, बस हमें इमेजिन करना चाहिए कि अगर मैं भी लंदन में पढ़ा होता और उसके बाद में हम क्रांतिकारी बने होते, वो कौन से क्रांतिकारी हम होते? हेलीकॉप्टरों में आने वाले, ठीक है, और एक क्रांतिकारी जहां हमें नाम छुपाना पड़ता, वेश बदलना पड़ता, वो भी ऐसी जगह की, ऐसी एक निर्दयी और निर्मम सरकार जो
गलती हम करें तो हमारे पूरे परिवार को फांसी पर लटका दे, ऐसी सरकार के बीच में क्रांति की लड़ाई लड़ना, वो भी तब जब एक पैसा जेब में ना हो। मतलब इमेजिन, व्यक्ति वो करे कि जहां चलने के लिए तब साइकिल छोड़िए पैदल जो है चला जाता था, आज लोगों के पास हर संसाधन है, लेकिन वक्त नहीं है कि चंद्रशेखर शहीद आजाद जो है, जब उनका जयंती जब उनकी आती है तो शहीद के मंदिर में जाएं, उनकी मूर्ति की तरफ देखें या घर में एक फोटो लगा लें। नहीं, घर में आपको चार चार पार्टियों के झंडे मिलेंगे और शायद 10-10 नेताओं की फोटो भी लगी मिलेंगी, लेकिन वहां किसी भी फोटो पर आपको वो फोटो नहीं मिलेगी जो फोटो उनके घर में होनी चाहिए, जो उनके बच्चे उससे सीखे कि इन्होंने क्या किया, किस वजह से फोटो लगाई आपने। ये नहीं होता है हिंदुओं में। मैं कहता हूं कि हिंदू ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अपने अंदर देश प्रेम जगाना होगा, उनको साबित नहीं करने की जरूरत है, वो अपने घर में ये चीज दिखाएं कि हमने इसलिए बेटा ये फोटो लगाई। क्या 1,000 रुपए 500 रुपए के तो लोग सिगरेट पी करके फूंक देते होंगे, ड्रिंक में चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये फोटो 200-300 रुपए की भी आती है आप घर में नहीं लगा सकते। अरे हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हम ना उससे सीख पाए, हमारे बच्चे तो हमसे सवाल पूछेंगे कि ये फोटो लगी है, और गर्व से कहेंगे ऐसे कि जब पूछो बर्ताव देंगे, कहेंगे ये थे हमारे पूर्वज जिन्होंने देश आजाद करवाया, जिन्होंने ये कहा। उनके मन में ये नहीं रहेगा कि नहीं अभी आजाद तिवारी ये बात बोले, नहीं, हर व्यक्ति जो है आजाद है ये वो कहें कि हम उनके भी वंशज हैं, हम भी वंशज हैं, ये देश को कहना चाहिए। दुर्भाग्य है कि स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है उसे बदलने की आवश्यकता थी, बदला नहीं गया। सरकारी संस्थाओं में जहां पढ़ाने की आवश्यकता थी वहां पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, सिर्फ केवल एक चैप्टर बना दिया गया, अध्याय, एक अध्याय, और उसका नाम रख दिया गया शहीद चंद्रशेखर आजाद। बस केवल एक अध्याय 2 पन्नों का, और उसके बाद में बाकी पन्ने आपकी लड़ाई के कि आपने क्या लड़ा और आपने क्या बताया। आप हर बार दिखाते हैं चीजें, आप हर बार बताते हैं कि ये किया गया, उन्होंने ये पत्र लिखे, अंग्रेजों को पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि आप देश में ज्यादा दिन रह नहीं सकते, ये धमकी थी या उनको सूचना थी ये समझ में नहीं आता। इसको तो कोई एक बच्चा तीसरी क्लास का ये बता देगा कि आप तो एजेंट कौन था जो सूचना दे रहे थे कि आप ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, अब देश में क्रांति शुरू हो गई है। कौन सी क्रांति, आप तो नरम दल के थे, आप कौन सी क्रांति कर रहे थे, ये सूचना आप दे रहे थे, सीधे सीधा लग रहा है आप उनको धमकी नहीं दे रहे थे। धमकी वो होती है जब काकोरी का कांड होता है, धमकी वो होती है जहां बम डाले जाते हैं, जो भगत सिंह एक योजना के तहत डालते हैं कि डरिए हम आपको डरा सकते हैं और आपको निकलना होगा, हम आपको क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, हमारा उद्देश्य आपको मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य है हमारा हक लेना, हमारे हक के लिए लड़ना, और लेकर के रहेंगे हम। ये अमित आजाद साहब, बस मैं तो इतना ही बस बोल पाऊंगा, बाकी आप जो है दर्शकों को और कुछ आप साझा करना चाहते हैं तो आप उन चीजों को आप जो है साझा करें। जी बहुत अच्छे शब्द थे आपके, और मैं पुनः वही कहूंगा जो मैंने अभी कहा था कि जागरूकता हमारे देश में लानी होगी, वो पत्रकारिता जगत के माध्यम से, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं शहीद परिवारों के माध्यम से, और जब तक जो आपने अभी कहा, और ये मैं भी ऐसा कहता हूँ कि हमें अपने अंदर वो भावना जगानी होगी। हम दूसरों को, जिन्होंने जो गलतियां की उसको छोड़ते हैं या सरकारों ने की उसको छोड़ते हैं, आज हमें क्या करना है, हम वर्तमान हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम रोना रोने के लिए शायद आजाद जी भी कह देते भाई मुगलों ने लड़ा, अब आजाद, अब ठीक है जो चल रहा सब सही है, जो ऐसे लोग थे कि सब सही चल रहा है उनकी वजह से ही देश गुलाम हुआ, और शायद सब जो सही चल रहा था वही अपना नाम लेकर के बैठे भी रहे आज तक। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि हमारी आग की बातें हैं तो जीवन भी आग होना चाहिए, जीवन में वो दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि बातें तो हमारी आग की हैं पर जीवन राख समान। इसलिए जैसा आपने कहा, और हमारे घरों में भी शहीदों के फोटो होने चाहिए, शहीदों के बारे में हर प्रकार से हो, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी संदर्भ में जो उन्हीं शहीदों द्वारा बनाया गया संगठन द हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, पूरे देश में आज भी इसमें बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं, पर बहुत क्रांतिकारी युवा इसमें जुड़े हुए हैं, और इसी लखनऊ से जहां से मैं लाइव हूं, यहीं से 4 किलोमीटर दूर हम एक प्रतिमा,
जो कि करारा जवाब होगी ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी आतंकवादी थे, करारा जवाब होगी उन लोगों को जो ये कहते हैं मैं कि आपसे एक मैं रोकना चाहूंगा, मैं एक आपसे जानना चाहता हूं। देश में नाम कोई भी व्यक्ति कुछ भी रख सकता है अपना। मैं यह आना चाहता हूं कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण नाम रखा, क्या उद्देश्य था? पूरा नाम कॉपी, क्षति नहीं पहुंचाता? एक देखिए उस बिल्कुल व्यक्ति का नाम क्षति आप रख लेते हैं, मैं अपना नाम कल को सुभाष चंद्र बोस भी फिर कर सकता हूं, आगे महानायक, आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरा नाम कर सकता हूं अपना। फिर तो अगर ये संभव है तो ये भी संभव है। मेरा नाम है, कितना भी लंबा करूं, आधार कार्ड पे पढ़ना भी चाहिए। कल को मैं अपने आप को महात्मा गांधी घोषित कर दूं कि भाई महात्मा गांधी हूं। कुछ भी देश में, और वो भी खुश। रावण भी नाम लगा लिया, वो भी एक आजाद नाम के आगे एक रावण शब्द लगाना, मैं कुछ कह नहीं सकता कि एक ऐसी जगह पर बैठा हूं जहां केबीसी में यह तो पूछा जाता है कि अकबर की शादी किस हिंदू रानी से हुई थी, किस हिंदू राजकुमारी से हुई थी, तो प्रश्न आता है जोधा। लेकिन कभी उसी केबीसी में कभी ये नहीं पूछा गया कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कब हुआ था, या भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था, या उनको फांसी कब हुई थी, या उन्होंने गोली कब मारी। कभी शहीदों से जुड़े हुए कभी भी केबीसी में प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि पैसा इंग्लैंड से भी लग रहा है, पैसा अमेरिका से लग रहा है, लेकिन उनका पैसा कम लग रहा है। वो कभी नहीं ये बोलेंगे कि आप मत रखिए, लेकिन ये जो जो नाम जो रख रख के ये जो पैसा जो आ रहा है ये ना रखना चाहिए। ये जो देश के लोग जो हैं, जो गर्व से क्रांतिकारियों को बहुत कुछ बोल जाते हैं, और चाहे जो कुछ भी, मतलब देश में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो उसके आगे, और उसको अपमानित कर रहे हो हर रोज। जब मन किया तो आपने रावण हटा लिया, मन किया तो आपने फिर लगा लिया, बोले अभी कुछ दिन के लिए मैंने रावण लगाना बंद कर दिया है आजाद के आगे। आजाद रावण थे क्या? देश ने कितनी बार जवाब मांगा? देश में तमाम हिंदू संगठन है क्या? किसी संगठन ने जवाब मांगा है क्या? लिख करके कोर्ट को किया है क्या? देश के अंदर कभी आपने कभी एक शब्द नहीं निकाला कि आजाद के आगे रावण, और ये अपमान कैसा, जो इसका शुरुआत से नाम है वो नाम क्या है इसका असली? पूरे देश को गुमराह कर रहा है। कल को सुभाष चंद्र बोस के आगे अगर कोई अपना नाम जो है राणा प्रताप अकबर रख ले, कैसा नाम हुआ अजीब सा? आप एक अलग सा आप माहौल पैदा कर रहे हैं, और वो भी आप स्वीकार कर रहे हैं। कैसा देश है, कैसी शिक्षा है हमारी कि हम स्वीकार कर रहे हैं शहर से? क्या बात है, चंद्रशेखर आजाद रावण आए, आजाद रावण, मतलब आप पूरा नाम आप इस तरीके से गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, वो भी सीधे सीधे क्रांतिकारियों को। कहना क्या चाहते हैं? आपको ब्राह्मणों से तो आपको लगाव है नहीं, लेकिन एक सनातनी ब्राह्मण जो कि उन्होंने भले न कहा हो लेकिन उनके संस्कारों में था, एक रामायणी परिवार, एक रामायणी नाम जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नाम है, ईश्वर के नाम के आगे आप इस तरीके की छेड़खानी कर रहे हैं, और हिंदू संगठन चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि किस चीज के हिंदू संगठन भाई, आप इतने बड़े नाम से छेड़खानी हुई और आपकी आंखों के सामने हो रहा, आपको दिख नहीं रहा, शर्म नहीं आती आपको? कौन सी FIR करोगे? किन चीजों के लिए आप तलवारें और ये घंटियां बजाते घूम रहे हैं? देश के अंदर ही इतना बड़ा काम हो रहा है और मेरी आंखों के सामने सामने हो रहा है, और बिल्कुल पूरा साफ दिख रहा है। एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, चुनाव आयोग में जा रहा है, हर चीज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, कोई सवाल नहीं उठा किसी चैनल पर, और गर्व से पूछते हैं आपने रावण किस लिए लगाया, हंस करके पूछते हैं, मतलब कुछ भी। आपको आजादी है तो कुछ भी आप करेंगे। कोई व्यक्ति ये बोलता है कि हमारे वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, आप तलवार रख दो, बस उसकी तर्ज पर आप कुछ भी करते चले जाते हैं। कैसा संविधान, कौन से कानून है? मैं तो इस बात से कभी कभी हैरान रह जाता हूं कि देश में लोगों को दिखाई नहीं देता या देखना ही नहीं चाहते। उस पर बोलना ही पड़ेगा, लोगों को आना पड़े, उनके परिवार को आना पड़े कि हमें अपने सम्मान के लिए आपको लड़ना पड़े, कि हम अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। तो फिर आप उनके लिए लड़ कब रहे थे? फिर वो तो आपके लिए लड़े, तब तो उन्होंने कभी नहीं बुलाया कि नहीं आप अपने पिताजी को भेजिए, वो आजादी की लड़ाई लड़े, नहीं तो लड़ेंगे, मैं उनको लटका दूंगा, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देश के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और उनके नाम के साथ इतना बड़ा अपमान, आप उनकी पूजा तो कर नहीं सकते, और हालांकि आप उनका नाम आप जरूर खराब कर रहे हैं। देखिए केशव भाई ऐसा है, और देश में योगी मुझे जी की भी सरकार, मैं तो निवेदन करता हूं कि सरकार को अभी तक दिखा नहीं, दिखना चाहिए, और बहुत बड़ा प्रश्न है, दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं कचोटता है, दर्द पहुंचता है कि आप एक इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, और उन कानों के सामने जो बुद्धिजीवी बोले जाते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान बोलते हैं, किसी बुद्धिमान का